बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किचन गार्डन दिन में खुश आमदीद। आज की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ है पनीर समोसा। बहुत ही मज़ेदार, खस्ता और करारा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। एक कप मैदा लिया, उसको अच्छी तरह से छान लिया। उसमें हाफ टी स्पून नमक डाला है, 2 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसको अच्छी तरह से ऑयल को मैदे में मिक्स कर लेंगे मल के। इसको ऐसे मलना, जब मल लेंगे तो एक मुट्ठी सी बन जाएगी, तो समझिए ऑयल मैदे में मिक्स हो गया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको एक आटे की तरह गूंद लेना, बिल्कुल जैसे रोटी बनाने वाला आटा होता उसी तरह। सख्त डो नहीं बनानी और पानी जो आपने लेना है वो नॉर्मल ही लेना है। हाथों पे ऑयल लगाना है और आपने एक पेड़े की तरह बना के इसे 15 मिनट के लिए रख लेना है कवर करके। अब चलते हैं फिलिंग की तरफ। 2 आलू लिए हैं, उनको बॉईल किया है, अब इनको मैश करेंगे। चाट मसाला 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, सब्ज़ धनिया थोड़ा सा। आप अपने लिए, मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड नहीं की। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं या आप अपनी मर्ज़ी से इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकती हैं। 15 मिनट हो गए हैं, डो निकाली है, उसको थोड़ा सा बेलेंगे और 2 हिस्सों में कर लेंगे। इसकी 2 रोटियां बना लेंगे। एक रोटी मैं आपको बना के दिखाती हूँ, बिल्कुल आपने वैसे ही दूसरी रोटी भी बना लेनी है। एक पेड़ा बनाया, थोड़ा सा आटा रस्ट किया, बहुत ज़्यादा नहीं करना और एक ही दफ़ा आपने आटा रस्ट करना है। उसके ऊपर पेड़ा रखना है और इसको बेल लेना रोटी की तरह। बारीक सी रोटी बनानी है, ये आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह आपने रोटी बना लेनी है बारीक सी। अब फिलिंग करते हैं। फिलिंग ऊपर रख के चम्मच से इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे रोटी के ऊपर। रोटी को फोल्ड करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, किनारे से शुरू करेंगे और नरम हाथों से इसे फोल्ड करते जाएंगे। बिल्कुल नरम हाथों से, आराम आराम से आपने इसे फोल्ड करना है। और एक रोल की तरह बना लेना इसे। रोल बना के थोड़ा सा इसे अच्छी तरह से और रोल कर लेंगे, बेल लेंगे। साइडें इसकी अंदर से कवर कर लेंगे, अंदर को कवर कर लिए साइडें इसकी। और अब एक छुरी लेंगे, छुरी लिया उसकी मदद से हम इसके छोटे छोटे से पीस काट लेंगे। हल्के हाथों से पीस काटनी है आहिस्ता आहिस्ता, छुरी चलाएंगे और इसके पीस काट लेंगे ऐसे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं। और आपकी मर्ज़ी है, जौन सी भी आप इसे शेप देना चाहें दे सकती हैं, क्योंकि ये मैं इसे गोल शेप दूंगी और आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, गोल शेप भी दे सकती हैं, या आपको जो भी पसंद हो शेप वो आप शेप बना सकते हैं। बहुत ही आराम से ये शेप बन जाती है इसकी। ये देखें बहुत ही नरम आटा है और इसको आराम से ही गोल शेप मैंने दे दी है। इस तरह शेप जोन से भी देनी है, उसे शेप देके ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अब ले तैयार करेंगे। 3 टेबलस्पून इसमें मैंने मैदा लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से ऐसे हिलाएंगे ताकि ये गुठलियाँ ना बने और अच्छी तरह से पेस्ट बन गया। ये देखें सारे पिनवेल हमारे तैयार हैं और ली में ऐसे डीप करेंगे। एक पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल गरम रखा है और उसमें एक एक करके
ऐसे अपने पिनव्हील डालते जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम है, हाई फ्लेम नहीं रखनी। हाई फ्लेम रखेंगे तो ये होगा कि बाहर से ये पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे, इसलिए लो फ्लेम पे इसे पकाना है। एक साइड जब आपको लगे कि ब्राउन हो गया तो इसकी साइड चेंज कर लेनी है, ऐसे ही दूसरी साइड से भी इसे पका लेनी है। दूसरी साइड भी तैयार हो गया, अब इसे हम निकालेंगे। बहुत ही मज़े के हैं और ये रेसिपी रमज़ान के लिए बेस्ट है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।